दोस्तों नमस्कार सभी दोस्तों को, मेरे ओर से होली के शुभ अवसर पर सबको शुभकामनाएं बहुत बहुत कि आप लोग बहुत ही खुशी खुशी होली मनाएंगे। तो ये हो गया आपका OCPL कोल पावर लिमिटेड का मनवारपुर कोयला खदान का ट्रैफिक नियम, कुछ इस तरह है। आप लोग सुनिए ध्यान से। एक व्यक्ति खदान में वाहन संचालित नहीं करेगा जब तक कि वो वैध लाइसेंस नहीं रखता और खान प्रबंधक द्वारा वाहन संचालित के लिए अधिकृत नहीं। वाहन चालक खदान यातायात नियमों का पालन करने के लिए वैध है, वह प्रबंधक द्वारा निर्धारित अनुमति गति सीमा के भीतर वाहन चलाएगा। डंपर चालक वाहन के अधिकतम गति सीमा नियम अनुसार रखेगा। इस तरह से नियम अनुसार है। आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं कानों में स्थिति, और इधर डंपर लाइट व्हीकल और वाटर टैंकर लाइट व्हीकल। होल रोड में डंप के ऊपर और जाने में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, डंप के नीचे और 20, और प्लेट मतलब लेवल स्थान पर, लेवल रोड पर होल रोड में 30 का स्पीड में, और कान में प्रवेश करने के दौरान 20 किलोमीटर प्रति घंटा के, किसी लोडिंग उपकरण से संपर्क करने के दौरान 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और मोड़ या सड़क पार करने पर या डंपर रिवर्स करने के दौरान 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से है हम लोग का खदान में स्पीड की गति सीमा। इस तरह से आपको चलाना है। और दोस्तों, डंपर चालक हमेशा खिड़की की कांच साफ रखेगा। जहां दृश्यत या सड़क की स्थिति खराब है, एक चालक अवश्य हद तक अपने वाहन की गति को कम करेगा। सभी ड्राइवर आपातकालीन वाहनों को रास्ता देंगे। हल्के वाहन हर समय भारी वाहनों को चलाने के लिए रास्ता देंगे। एक चालक अपने वाहन को ऐसी स्थिति में पार्क या खड़ा नहीं करेगा जो खदान परिसर में अन्य परिवहन को खतरे में डाले। वाहन चालक हॉल रोड पर वाहन पार्क नहीं करेगा या खड़ा नहीं करेगा। एक चालक लोडिंग उपकरण के कार्य क्षेत्र के 30 मीटर के भीतर अपने वाहन को पार्क या खड़ा नहीं करेगा। रखरखाव उद्देश्य के लिए सभी वाहनों को विशेष रूप से आवंटित क्षेत्र में ही पार्क किया जाएगा। एक ड्राइवर अपने पार्क किए गए वाहन को छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि वह वाहन सुरक्षित है और पार्किंग ब्रेक लागू किए गए हैं। किसी वाहन का चालक पार्क की गई स्थिति में आगे बढ़ने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि उसका मार्ग किसी भी बाधा से मुक्त, और वह एक हॉर्न बजाएगा भी, और 2 मिनट तक इंतज़ार करेगा और फिर आगे बढ़ेगा। दिन के समय के बाद पार्किंग करते समय ऑपरेटर पार्किंग रोशनी और साइड संकेत का उपयोग करेगा। होल रोड में दौड़ते समय परिचालन संबंधों कठिनाई आने वाली वाहनों को तुरंत रोक दिया जाएगा और उन्हें स्पष्ट रूप से लाल झंडों से चिन्हित किया जाएगा, और रात के समय सभी लाइट इंडिकेटर लगाए जाएंगे। डंपर चालक कभी भी अन्य डंपर को ओवरटेक नहीं करेगा। डंपर चालक कभी भी वाहन को ओवरलोड नहीं करेगा। वह दिन में हॉर्न और रात में डिपर लाइट का उपयोग करेगा जब दूसरा डंपर रास्ते में आएगा। डंपर चालक किसी भी अधिकृत व्यक्ति को वाहन प्रवेश नहीं करने देगा। होल रोड में दूसरे वाहन के पीछे वाहन चलाते समय 15 मीटर की स्पष्ट दूरी बनाई रखी जाएगी। नशे की हालत में किसी भी वाहन को नहीं चलाएगा। सभी वाहन ऑपरेटर कान अधिकारियों द्वारा दिए गए सुरक्षा निर्देशों का पालन करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग का OCPL जो उड़ीसा कोल एंड पावर लिमिटेड में इस तरह का नियम बनाया है।